नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिनभर। मैं हूं शेख जूही। रुक करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्वी राजस्थान में 15 और 16 अगस्त को जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश होने और कई कई भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। वही मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 17 अगस्त से भारी बारिश की गतिविधियों में गिरावट होने की संभावना भी है। आगामी 2-3 दिन में बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना भी है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनजाति क्षेत्र विकास विभाग के अधिकारियों को आदिवासी क्षेत्र के सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और अन्य विकास योजनाओं से जुड़े विभागों की स्वयं मॉनिटरिंग करने की बात कही। भाजपा के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की ओर से प्रदेश भाजपा कार्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी उपस्थित रहे। प्रकोष्ठ के संयोजक मनीष पारिक ने बताया कि कलाकारों ने देशभक्ति गीतों पर रंगारंग प्रस्तुति दी। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने तिरंगे के सम्मान के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहने की अपील की। करोड़ी लाल मीना के इस्तीफे को लेकर राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तंज किया। साथ ही करोड़ी के वापस नाराज होने की वजह भी बताई। डोटासरा बोले, सुना था सेटलमेंट हो गया, सुन रहे मान गए, लेकिन जब हेलीकॉप्टर मांगा और नहीं मिला तो वापस नाराज हो गए। मैं तो आग्रह करूंगा कि उनको हेलीकॉप्टर दे दो, या हेलीकॉप्टर नहीं देने से हाल बने, ऐसी स्थिति नहीं बने। मैंने विधानसभा में भी कहा था, लोगों ने सरकार बनाई थी लेकिन ये सर्कस बन गया। बूंदी में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया था। गुरुवार को सुबह से मुसलसल बारिश हो रही थी। जेत सागर झील में पानी बढ़ गया, जिसकी वजह से प्रशासन ने झील के सभी गेट खोल दिए। इस दौरान महावीर कॉलोनी में पुलिस की जीप नाले में गिर गई। जीप में 6 पुलिसकर्मी बैठे थे। लोगों ने पुलिस की गाड़ी को पानी में बहता हुआ देख तुरंत रस्सी डालकर पुलिस जवानों की जान बचाई। बांसवाड़ा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बुधवार देर रात को जिले के गुंगड़ा थानाधिकारी गणपत लाल और थाने के मही डैम पुलिस चौकी प्रभारी राजेंद्र कुमार को मोबाइल चोरी के झूठे मामले में नहीं फंसाने के एवज में एक परिवादी से 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। राजस्थान के डीडवाना जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय खेल स्टेडियम में 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा था। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर बाल मुकुंद अस्वा ने बतौर मुख्य अतिथि ध्वजारोहण किया। वहीं विधायक यूनुस खान इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे, लेकिन इस दौरान अचानक कुछ ऐसा हुआ कि विधायक यूनुस खान नाराज हो गए और उन्होंने मंच छोड़ दिया और जनता के साथ जाकर बैठ गए। वहीं यूनुस खान ने प्रशासन पर कार्यक्रम को राजनीतिक रंग देने का आरोप भी लगाया। लाल किले से पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वो 1,00,000 से अधिक नौजवानों को राजनीति में लाना चाहते हैं। पीएम मोदी बोले कि जिन युवाओं के घर से उनका दूर दूर तक कोई रिश्तेदार भी राजनीति में ना रहा हो, ऐसे लोगों को राजनीति में लाना चाहते। पीएम मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्षी दलों से इस मुद्दे पर साथ आने का आह्वान भी किया। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुई तोड़फोड़ पर हंगामे की घटना पर पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने बड़ा बयान दिया। सुकांत ने कहा कि आरजीकर अस्पताल में पुलिस के सामने तोड़फोड़ हुई, अंधेरे की आड़ में शांतिपूर्ण धरने में खलल डाली गई, इसलिए अब इस मामले में केंद्र को भी दखल दे देना चाहिए। लोकसभा चुनाव के नतीजे से कांग्रेस बेहद उत्साहित है और वह उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कम से कम 4 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियों को तेज करते हुए सभी 10 विधानसभा सीटों पर पर्यवेक्षक को भी नियुक्त कर दिया है। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।